सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राइड 25 और आज हम करने वाले हैं अपनी फैट बाइक में 180 mm के डिस्क रोटर को इंस्टॉल, और जो हम और 180 mm के डिस्क रोटर को इंस्टॉल करने के बाद हम लगाएंगे 180 mm का कैलिपर। कह सकते हैं कि 180 mm का अडैप्टर लगता है उसमें, तो 180 mm का ही हो जाता है कैलिपर भी। चलो तो अभी सीधे ही शुरू करते हैं अपनी साइकिल को साफ़ करने से। अगर साइकिल गंदी होगी तो डिस्क ब्रेक भी गंदी हो जाती है, तो पहले अपनी साइकिल को साफ़ करते हैं और उसके बाद हम इंस्टॉल करते हैं 180 mm का डिस्क रोटर। 1:37 later। तो गाइज अभी हमारी साइकिल हो चुकी है साफ, और अभी आपको शायद थोड़ी पंखे की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है, पंखे को चलाना बहुत ज़रूरी है। साइकिल हो चुकी है साफ, अभी हम जो टायर थे वो तो हमने निकाल लिए थे, तो अभी टायर में से डिस्क ब्रेक निकालेंगे। अभी मैं और दिखाता हूँ कैसे निकालने, कितने नंबर की चाबी से निकालनी। चलो चलते हैं, निकालते हैं टायर में से डिस्क ब्रेक। पहले ये रही अपनी डिस्क ब्रेक 160 mm की, और ये है फ्रंट टायर। तो पहले हम इसमें से डिस्क ब्रेक को निकाल लेते हैं, और हम इसे निकालेंगे इस वाली एलन की से। ये बड़ी वाली एलन की है, मुझे पता नहीं कि कितने साइज का, निकाल लेते हैं इसको। सॉरी गाइस, बड़ी वाली से नहीं निकलती, छोटी वाली से निकलती है, माय मिस्टेक। तो अभी मैं ले आया हूँ ये छोटी वाली एलन की, इसे लगाते हैं, निकालते हैं। पहले इसके हम सारे नट खोल लेंगे। तो भाई ये लास्ट नट भी निकल चुका है, और ये रही हमारी 160 mm की डिस्क ब्रेक। देख सकते हो अभी पूरी की पूरी पुरानी हो चुकी है, और ये इतनी चिकनी हो चुकी है ना, रुको फोकस करता हूँ। एक तो गंदी ऊपर से चिकनी, ठीक है। तो अभी इसे हम साफ़ करके रख लेंगे अपनी कलेक्शन में, ठीक है। तो अभी इसे रख लेते हैं, पहले हम इस हब को साफ़ करेंगे। ओके, हाँ आपको साफ करेंगे। अभी ये हो चुका है साफ, ठीक है। हब और रिम पूरी मैंने साफ कर दी है, और अभी इसमें लगाते हैं 180 mm की डिस्क रोटर। मैं आपको दिखा दूंगी कैसी दिखती है वो। तो भाई लोग ये देखो, ये रही 180 mm की डिस्क रोटर। अभी मैं आपको इसे दिखाता हूँ कंपेयर करके, इसका साइज़ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये रही 160 और ये रही 180। अब ये देखो, ठीक है, ये देखो इन दोनों का साइज़ में डिफरेंस देखो। ये बिल्कुल बीच में आ रही है इसके, ठीक है, देख रहे हो। ये वाली बड़ी है भाई, ये 180 है, क्योंकि ये वाली छोटी है। इसमें हमें ब्रेकिंग पावर बढ़िया मिल जाती है, इस वाली में कम मिलती है। तो अभी लगाते हैं इसमें ये, ठीक है। ये बड़े ही प्यार से हमें इसे पकड़ के इसके अंदर लगाना है, और यहीं से पकड़ना, जहाँ से मैंने पकड़ी ना ऐसे ही पकड़ना है। यहाँ से पकड़ो, पर यहाँ ऊपर से मत पकड़ना, क्योंकि वहीं से हो लगती है भाई ब्रेक। अगर वही चीज़ तुम लोग ख़राब कर दोगे फिर भाई। एक चीज़ तुम्हें बताना भूल गया कि ये जो मेरी डिस्क है ये स्काई राइडर कंपनी की है, ठीक है, ये स्काई राइडर कंपनी की है। अभी लगा लेते हैं इसे। ले आऊँ मैं दूसरा टायर, अब इसके नट भी खोल लेते हैं बड़े प्यार से। तो यहाँ पे अपने डिस्क रोटर को, तो अभी पन्नियाँ हटाते हैं सारी और लगाते हैं इसे। लगाना बहुत ही आसान होता है।
गाइज अभी हम ये वाला कैलीपर हटा देंगे क्योंकि ये है 160 mm का, तो इसे हटाने के लिए कुछ भी नहीं करना, एलन की से इसे नॉर्मली हटा देंगे। यहीं से खोल लेते हैं इसे डायरेक्ट, पहले यहाँ से खोल के वायर निकाल लेते हैं। वाला कैलीपर स्ट्राई राइडर कंपनी का, हाँ स्ट्राई राइडर है, स्काई राइडर नहीं है, ये स्ट्राई राइडर। और ये है 180 mm फ्रंट, तो अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो हमें ये 250 रुपये का मिल जाता है ऑफलाइन मार्केट में, तो इसे लगाते हैं फिर। फाइनली गाइज ये लग चुका है, अब हमें टायर लगाना है और अभी हम इसे ऐसे ढीला रहने देंगे, हम इसमें प्यार से टायर लगा देते हैं। इसे सेट करना पड़ेगा, तो अभी हम ना इसे पूरा टाइट नहीं करेंगे, पहले हम इसे एडजस्ट एडजस्ट करेंगे। तो अभी हम इसे ये निकाल लेते हैं वायर को, तो अभी हम ब्रेक को दबा के रखेंगे। इट्स डन, यहाँ पे ये लग चुकी है। अभी हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, कि जब ये ऐसे लग जाए तो उसके बाद इसे घुमा के देखना है। अभी देखो साउंड आ रही है, थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है क्योंकि पीछे से टच हो रहा है, ठीक है। अभी हमें पीछे से यानी यहाँ से, यहाँ पे पीछे से आपको दिख रहा होगा कि इसके पीछे एक नट होता है, हमें उसको ढीला करना है। एलन की से ही हो जाएगा वो, थोड़ा सा लूज करेंगे इसे। इतना लूज करना है कि आवाज ना आए और ब्रेक भी लग जाए। ओके, तो मैं भी ये हो गया, अभी भी थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है क्योंकि टायर टाइट नहीं हुआ। अभी हम अपने टायर भी टाइट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आवाज आएगी कि नहीं आएगी। तो भाई लोग फाइनली आगे वाली ब्रेक ढंग से काम कर रही है और ढंग से लग चुकी है। देखो देख रहे हो भाई, इतनी पावरफुल है ना ये देखो भाई साहब। तो अब पीछे वाली ब्रेक इंस्टॉल करते हैं और पीछे वाली ब्रेक में हम कुछ अलग तरीके का अडेप्टर लगाएंगे, आपको दिखाता हूँ। तो भाई लोग हम पीछे वाली जो कैलीपर है उसमें देखो हम ये वाला अडेप्टर लगाएंगे, ये देखो फोकस करूँ एक बार, ये वाला अडेप्टर लगाना पड़ेगा पीछे वाले में, या यही वाला लगाएं। देखो इन दोनों में डिफरेंस तुम कह रहे होगी कि इन दोनों अडेप्टर में क्या डिफरेंस है, तो देख लो क्या डिफरेंस है इन दोनों में। भाई दोनों के दोनों अलग अडेप्टर हैं, ठीक है। देखो कितना डिफरेंस है इनमें, वैसे तो है सेम ही F180 और पीछे का 160। एक बार देख लेते हैं ये वाला लगा के, अगर ये वाला ढंग से काम नहीं करेगा तो ये वाला अडेप्टर लगाएंगे। चलो फिर लगाते हैं अपना कैलीपर, और ये वाला ये है वीवो कंपनी का, आप देख सकते हो ये, ठीक है।
वीवो कंपनी का यार ये वाला, क्योंकि इस ट्राई राइडर का मुझे मिला नहीं तो मैं को वीवो कंपनी का लेना पड़ा। ये बहुत अच्छी और भारी क्वालिटी का होता है। तो भाई लोग मुझे लग ही रहा था कि मुझे ये वाला लगाना पड़ेगा, ये वाला जो है अडेप्टर, क्योंकि ये वाला अडेप्टर तो लगा नहीं जो इसके साथ आया था, ये वाला अडेप्टर ये नहीं लगा इसमें, अब मुझे ये वाला अडेप्टर लगाना पड़ा। तो चलो इसे लगाते हैं। तो फाइनली गाइस मैंने इसमें लगा दी है 180 mm की डिस्क रोटर और कैलिपर। तो भाई अभी जो इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है मेरी फैट बाइक की। आगे और पीछे मैंने दोनों लगाई है, ये देखो ये यहाँ पे भी मैंने लगा दी है और यहाँ पे भी लगा दी है। और इसको पीछे वाले को सेटिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया था, क्यों अगर आप में से बहुत लोगों का डाउट ये है कि मैंने इसमें 180 mm की डिस्क रोटर को क्यों इंस्टॉल किया है, तो ये आंसर इसका ये है कि ना जो 160 mm की रोटर होती है उसमें पावर नहीं मिल पाती है फैट बाइक को ब्रेकिंग में, पर जो 180 mm की डिस्क रोटर होती है उसमें आपको पावर मिल जाती है। अभी इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली मैंने अपनी साइकिल में 180 mm की डिस्क रोटर लगा लिया है और कैलिपर भी लगा लिया है। तो अभी तुम्हारा भाई स्टॉप ही भी कर सकता है, पर स्टॉप ही मैं नहीं करूँगा, देखते हैं करूँगा कि नहीं करूँगा। तो अब से वीडियो आएगी लगातार, क्योंकि वीडियो पता भी क्यों नहीं डाल रहा था, क्योंकि ना यार दोनों ब्रेक एकदम समझ लो ख़त्म थी, ख़त्म फेल, एकदम फेल हो रखी थी दोनों ब्रेक। अगर मैं तुम्हें डिस्क दिखाऊँ ना तो भाई ये देखो, तुमने डिस्क देखो एक बार, ये है 160 mm का, ठीक है, इतना बकवास है ना ये, इतना बकवास है क्या बताऊँ तुम्हें। और ये देखो कैलिपर ये, ठीक है। तो जिस जिसने यहाँ तक वीडियो देख लिया उनके लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद, और चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर आपको और ऐसी वीडियोस चाहिए कुछ अपग्रेड करने वाली। आने वाले टाइम में मैं सोच रहा हूँ कि हाइड्रोलिक ब्रेक भी लगाई जाए, पर हाइड्रोलिक ब्रेक थोड़ी सी महंगी है। तो अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स 1K करा दोगे, वैसे 1K पर तो मैंने बहुत सारे वादे करे हुए हैं कि मैं फायरफॉक्स वाइपर लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, पर अब मैं सच में बोल रहा हूँ अगर आपने करा दिया और मेरा मोनेटाइज भी चैनल हो गया तो पक्का कह रहा हूँ गाइस, पक्का सारी वीडियो जाके देखो मेरी तुम लोग सारी, ठीक है। मेरा चैनल मोनेटाइज अगर हो गया और 1K सब्सक्राइबर हो गए तो ऐसी ऐसी मॉडिफिकेशन लाऊँगा ना मैं भाई, मज़ा आ जाएगा मज़ा। अब तक के लिए तो इतना ही, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।